भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी जो स्मरण नहीं कर पाते हैं, आज ऐसे भगवान को मैं गोद में लूंगा और ठाकुर जी के नाम करण करूंगा। मेरे कितने सौभाग्य गर्गाचार्य जी आए, जब नंद बाबा के घर में आए, नंद बाबा देख रहे प्रसन्न हो गए, बोले महात्म चरणाम ऋणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। इसलिए कहते महत लोग गृह घर में क्यों जाते हैं, कहते उनका हृदय बड़े दीन हृदय है, इसलिए निज कार्य नहीं तो जान पर घर, केवल उनको जगाने के लिए जीव जाग जीव जाग। गोरा चांद बोले केवल गृहस्थों को जगाने के लिए संत लोग उनको घर में आते हैं। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, चरण धोए, आसन दे करके बैठाए और उन्होंने अपने आप बोल पड़े, जब आप कृपा करके आए हो मेरे दोनों बच्चों का नामकरण करवा दियो। खुश हो गए, तब दोनों बच्चों को लेकर के आए, पहले श्री बलदेव प्रभु का नाम रखे, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहित गणे। बोले रोहिणी जो अयम ही रोहिणी पुत्र है, बड़ा बेटा का नाम होगा, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो है ना ये किसका बेटा है, बोले ये रोहिणी के बेटा है। बोले बला धिक्याद बलम विदु, इनका नाम होगा बलराम। बोले बलराम क्यों नहीं क्यों होगा, बोले जो बल का जो अधिष्ठात्री देवता। बोले कौन सा बल की अधिष्ठात्री देवता, बोले भक्ति बल की हैं, भक्ति बल की अधिष्ठात्री देवता, क्योंकि जब तक ये बलदेव प्रभु का कृपा नहीं हो तब तक जीव कभी भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है। आदि गुरु है ये शंकर सन श्री आदि गुरु। बोले इनका नाम एक शंकर सन भी होगा, बोले क्यों, बोले पहले तो ये देवकी गर्भ में आए, जोग माया ने देवकी गर्भ से आकर्षण करके उन्होंने रोहिणी गर्भ में स्थापन किया, इसलिए इनका एक शंकर सन नाम होगा। अगर कभी जदु वंश में और कभी गोप वंश में, ये दोनों वंश को है, दोनों वंश में अगर कोई किसी कारण से लड़ाई हो जाएगी, कभी बलदेव प्रभु क्या करेंगे, ये बलदेव प्रभु उनको मीमांसा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करने नहीं देंगे, हैं सबको शांत रखेंगे। बोले शंकर सन कानो तय साई गर्भो दसाई चपय दिसाई से सांस जस्यांस सकला सनित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपद्ये। कदी ये कौन है, बोले ये शंकर सन है, शंकर सन ये मूल शंकर सन है और इनके प्रकाश में चतुर्व्यूह है, वासुदेव शंकर सर प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इसमें जो शंकर सन से तीन विष्णु हैं, जो कारण दगसाई गर्भ दगसाई और खिराब दिशाई और शेष रूप में भगवान की ये सज्जा बने हुए हैं, इसलिए दस शरीर और पंच रसों से जो जगन्नाथ की सेवा करते हैं। बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री शंकर सन प्रभु की जय। अभी उन्होंने श्री बलदेव प्रभु का नाम किया, जब उन्होंने कृष्ण का नामकरण करने जा रहे थे और उन्होंने आंख बंद किया तो विश्व ब्रह्मांड को देखने लग गए। अभी सोच रहे हैं भैया नाम करे तो जिसका 8-10 नाम हो कोई एक नाम दे दो, लेकिन विश्व ब्रह्मांड में सब नाम तो नहीं पाए, वो सोच नहीं पा रहे इनका नाम हम क्या देंगे हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्या, उन्होंने तो भगवान के नाम को दे देकर कीर्तन किया। बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, आज स्वर्ग नंदना आनंद वर्धना, स्वर्ग आनंद वर्धना नंद तनया रस गोप, नंद तनया रस गोप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, होत न धार।
भले एक दो बीस कोई नाम होता तो उसका कोई एक नाम रख लेते, लेकिन इनका तो हरि अनंत हरि तथा अनंत है। तो सोच में पड़ गए इनका नाम कौन सा हम नाम रखे हैं, इसलिए आंख नहीं खोल रहे थे, फिर जोर जोर से हिलाए। बोले बताओ ना ज्योतिषी लाला का नाम क्या है। बोले आसन वर्णास्त्र यस्य गृह्णोत अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले लाल देखो तुम्हारी जो बेटा है ना ये हर युग युग में आए, इसलिए तुम्हारी बेटा हर युग युग में तुम्हारी बेटा आया है। सत्य युग में शुक्ल वर्ण करके, तृतीया युग में रक्त वर्ण, कलि युग में सचिनंदन गौर हरिश्री महाप्रभु रूप में इदानी कृष्ण ताम गत, अभी कृष्ण रूप में आया, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। अनुपम कह इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा, क्योंकि भगवान के जितने नामों में जो कृष्ण नाम है सबसे ये मधुर नाम कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम क्यों है, कृष्ण का बहुत मीनिंग रूप गोस्वामी कृष्ण का बहुत मीनिंग उन्होंने बताए। बोले कृष्ण का एक नाम होता है मधुर, कृष्ण मतलब होता है मधुर है, इसलिए श्री बल्लभाचार्य इसलिए उन्होंने एक मधुराष्टक नाम लिख दिया है। बोले आधरंग मधुरंग बादनंग मधुरंग नायनंग मधुरंग असितंग मधुरम चारितंग मधुरम गमनंग मधुरम माधुराधिपते राखिलंग मधुरम माधुराधिपते राखिलंग मधुरम। इसलिए उनको पूरा के मधुराष्टक कृष्ण मतलब होता है जो मीठा, सबसे जो मधुर है, जो सबसे सुंदर कृष्ण है, इसलिए जिनसे सुंदर जगत में कोई नहीं। कृष्ण मतलब होता है काला, बोले काला मतलब कोलतार जैसे काला है, अलकतरा भले जैसे काला, बोले नहीं है, इसलिए जो काला है इंद्र नीलमणि, उनको क्या उदाहरण दिया है, हाँ इंद्र नीलमणि कृष्ण रूप घानी हरिया कदम मूले, इंद्रमली जैसे उनका उदाहरण, इंद्रमली जैसे हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं ना नव मिड्डते अभ्र बपुसे, उनको उदाहरण दिया कैसे अभ्र बपुसे, जिनका शरीर का रंग एकदम काला बादल जैसे हैं, नव जलधर घन श्याम। बोले उनका शरीर क्यों उदाहरण दिया, हम जगन्नाथ कालिया को कहते ना कालिया, जगन्नाथ कालिया है, कालिया क्यों, कालिया जगन्नाथ जी काला क्यों है, इसलिए ब्रह्मा जी श्री विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं। बोले ये काला मेघ कब होता है, ये मेघ कब होता है, मतलब पानी जब घनीभूत होकर के वो बादल रूप धारण करता है, पानी का एक नाम होता है कृपा है, जैसे प्यास लग रहा है, छाती फट रही है, लेकिन पानी पी लो तो क्या हो जाता है,
हृदय सुशीतल हो जाता है पानी पी करके, हैं, मन ठंडा हो जाता है मन। इसलिए कते काला मतलब होता है, कते जो मेघ मतलब होता है कृपा, हैं, कृपा। इसलिए ये घनीभूत अवस्था मतलब जो कृपा की घनीभूत अवस्था हो जाए तभी ये घनश्याम है। मतलब ये कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु। इसलिए काले है जगन्नाथ जी, कभी ये कृपा की सिंधु है। ये दूसरा अर्थ कहते हैं, जो मेघ क्या करता है, जब बारिश ही होता है आप देखना वो कोई पवित्र अपवित्र नहीं देखता है, हर जगह पर बराबर रूप में बरसात होता है, बराबर रूप में। मतलब भगवान की जो कृपा है, इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भले गुना अब गुना प्रभु देखा हो न जानी, गुना अब गुना प्रभु देखा हो न जानूं, देना बंधु की मृदुल स्वभाव, देना बंधु की मृदुल स्वभाव, गुना अब गुना प्रभु देखा हो न जानूं, गुना अब गुना प्रभु देखा हो न जानूं। भगवान क्यों काले हैं? बोले भगवान कभी किसके दुर्गुण का प्रति नजर नहीं देते हैं। अगर ठाकुर जी हमारे दुर्गुण का अगर देखेंगे ना, हम एक दिन भी मठ में रहने का लायक ही नहीं। हमारे हृदय में इतने गंदी गंदी वासना, हृदय में इतने कचरा भरा हुआ है, लेकिन ठाकुर जी हमारी दोष को नहीं देख करके ठाकुर जी हमारे गुण को देख रहे हैं। इसलिए अभी हम लोग भक्ति मार्ग में थोड़ी बहुत भजन कर सकते हैं, नहीं तो अगर उस दोष देखने लग जाए फिर तो हो गए हमारी, हम तो कोई भजन करने का लायक कोई है नहीं। इसलिए काले, काले का कारण होता है जैसे बहुत सारे रंग मिलाओ, देखना अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी काला रंग मिला दो सारे रंग को अपना लेता है। इसलिए कहते काले कांवरिया गोबर में चढ़ना दूजे रंग, जिसके ऊपर में कृष्ण भक्त के रंग लग गया ना उसके ऊपर कोई रंग ही नहीं चढ़ता है। जैसे आप लोगों के ऊपर में काला रंग लग थोड़ी सी चिटा बोटा, घर बार पिता माता भाई बंधु दुनिया सबको ठुकरा दिया है। इसलिए गोपियां कहती ना, जिसको कान में खबरदार इनकी बात को मत सुना करो। साधु लोग बगल में भागवत पोथी दबा कर कहते देखो कथा सुनाएंगे, बिना पैसा की कथा सुनाऊंगा आओ कथा सुनने के लिए, और कथा सुनाते सुनाते खुद भी पागल है और दुनिया को पागल बना करके है। इसलिए कहते राधा रानी कहते खबरदार इनकी कथा को मत सुना करो है, तब तक संसार में स्थिर रहोगे जब तक इनकी कथा तुम नहीं सुन लेते हो। अगर इनकी कथा सक्री एक बार अगर तुम्हारी कान में इनकी कथा पड़ गया तो कहीं भी रहने का नहीं देगा, फिर तो राधे राधे बोल और वृंदावन में डोल है। इसलिए राधे राधे बोल कर तुम वृंदावन में डोलते रहोगे है। इसलिए कृष्ण काले हैं, इसलिए इनका नाम क्या नाम रखा? कृष्ण। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। आज हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुन लेते हैं। बोले गोवर्धन जयति शैल कुलाधिराज, जो गोपी का अभिरुदित हरिदास वर्ज, कृष्णेन सक्रमकेन कृतार्जितांग्री। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी हर गोपियां भागवत में कहते हंताय अद्रिय वला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम। इसलिए गिरिराज की कथा हैं कहते यहाँ सनातन गोस्वामी और श्री राधा रानी गिरिराज की महिमा और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विश्वनाथ गौर ठाकुर इन लोगों ने गिरिराज की कितने कितने उन लोगों ने कथा उन्होंने सुनाए। गिरिराज महाराज की जय। एक गिरिराज का भजन लास्ट में बढ़िया भजन करना ठीक है। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन जयति शैल कुलाधिराज, इसलिए इनका नाम श्री गिरिराज गोवर्धन है। बोले क्यों इनका नाम गिरिराज गोवर्धन? और ये कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन है, इनका कितना स्वरूप है? कहते इनके तीन स्वरूप है, हैं? कहते एक कहते नहीं, इनका तीन रूप भी है, इनका तीन रूप भी है और इनका तीन
स्वरूप भी है, क्या क्या है, कई बार गिरिराज जी बता, इसलिए कहते हैं इनका तीन स्वरूप और तीन रूप है, बोले तीन रूप इनका क्या है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसलिए तीन रूप क्या है, बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने बड़ा कठोर तपस्या की, किसकी, बोले भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, जब कृष्ण संतुष्ट हो गए, बोले ब्रह्मा को क्या चाहते हो, बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं, बोले किस रूप में मेरी चरण की सेवा चाहते हो, बोले प्रभु अगर आपका ब्रज में ये पहाड़ रूप में अगर हमारी जन्म हो जाए, आप हमारे सर के ऊपर में गैया चराए अपना लीला करे, आपका चरण अगर स्पर्श हमें मिल गया हम जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए भगवान तथास्तु बोले तो स्वयं ब्रह्मा जी बरसाना रूप में जन्म हुए, शंकर जी नंदीश्वर महादेव रूप में नंदगांव में, और स्वयं श्री गिरि विष्णु कहते ब्रज में श्री गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए, कहते भगवान विष्णु स्वयं ये गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए, कहते ये एक स्वरूप है, बोले दूसरा स्वरूप क्या है गिरिराज जी, कहते गिरिराज का दूसरा स्वरूप बताए, यहाँ पर श्री उद्धव यहाँ पर श्री कौन को कह रहे हैं, बोले श्रीमती राधा रानी स्वयं कहती हैं, बोले ये कौन है, बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य, ये कौन है, बोले हरिदास वर्ज्य, कहती है हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज महादास हैं, हरिदास वर्ज्य, इसलिए बोले इनकी तीन हरिदास है, कितना हरिदास है, बोले तीन, बोले कौन कौन है, बोले पहला नंबर से युधिष्ठिर महाराज पहला नंबर हरिदास है, क्योंकि उनकी हर चेष्टाएं जैसे उन्हें राजस्व ने यज्ञ किया है, बोले क्यों राजस्व यज्ञ किया, बोले जिस यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा भगवान कृष्ण को मिलेगा, इसलिए अग्र पूजा, इसलिए उन्होंने राजस्व यज्ञ करवाई और कृष्ण की अग्र पूजा उन्होंने कराई, और कृष्ण स्वयं हर तरह से पांडवों की सेवा करते थे, अर्जुन का सखा बने, और भीम की उन्होंने दोस्त भी है, उनको उनकी ज्येष्ठ भी है, और नकुल सहदेव युधिष्ठिर महाराज, इसलिए उन्होंने कहते पहला नंबर ये हरिदास है, जो है ये हरिदास है, बोले हरिदास बर कौन है, बोले श्री उद्धव जी है, जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हैं, वृष नाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, इसलिए गुरु बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम और न तथा मैं प्रियतम आत्मा जोनीर न शंकर, तुम मेरे जितने प्रिय हो, मेरे बेटा भी नहीं, शंकर भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, अंकसायन लक्ष्मी भी नहीं, बलदेव भी नहीं, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, उद्धव तू जितने मेरे प्रिय हो, इसलिए उद्धव जी हरिदास बल, कहते हरिदास वर्ज्य कौन है, हरिदास में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कहते श्री गिरिराज गोवर्धन, इसलिए हंताय अद्रिय बल हरिदास वर्ज्य, हरिदास में सर्वश्रेष्ठ, बोले हरिदास में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवजो न द्वंदम अस्मि निमंदम ईद किल कलनार्थ लग्न कस्त्वयर में निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ये कौन है गिरिराज, बोले जिनकी कदरा कदरा में कुंज कुंज में गिरिराज में बड़े सुंदर उन्होंने भगवान के लिए कुंज बना देते हैं, रत्न वेदी बनाते हैं, जहाँ पर उन्हें राधा कुंड में जल विहार, जहाँ पर नौका विलास, झूरन लीला, कुंज लीला, जहाँ पर उन्होंने मधुपान, जल विहार, जहाँ पर हर तरह का लीला कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन में करते हैं, और उनके लिए जब जाते हैं उनका फल फूल सब कुछ व्यवस्था सिर्फ गिरिराज गोवर्धन करते हैं, इसलिए गोवर्धन कौन हो गए, बोले हरिदास वर्ज्य, बोले जितने हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ, और गुरुदेव कहते थे केवल हरिदास हरिदासी एक स्वरूप में, गुरुदेव कहते थे राधा रानी की भी एक सखी स्वरूप श्री गिरिराज, क्योंकि श्री गिरिराज गोवर्धन में जो उन्होंने प्रमद मदन लीला मतलब जो
उनको जो श्रृंगार रस का लीला करते हैं, श्रृंगार रस का लीला कहाँ कर सकते हैं, सब जगह में नहीं, वो चुके राधा रानी की एक सखी है इसलिए वहां पर श्रृंगार। इसलिए कहते पहला या तीन हो गए और पहला रूप क्या हो गया उनका, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने स्वयं विष्णु गिरिराज, बोले दूसरे रूप में स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण गिरिराज जी। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब गिरिराज शिला प्रदान करते हैं, बोले रघुनाथ ये गिरिराज शिला स्वयं कृष्ण है, मैं तुम्हें कृष्ण प्रदान कर रहा हूँ, गुंजा मला श्री राधा रानी का स्वरूप है, हैं? इसलिए ये कृष्ण स्वरूप है, दो स्वरूप है। कहते हैं जो तीसरा स्वरूप है ये हरिदास वर्ज स्वरूप श्री गिरिराज की, इसलिए बोले हंता अद्रिय वाला हरिदास वर्ज, और गिरिराज है गोवर्धन जयति शैल कुलाधिराजम, इसलिए इनका नाम गिरिराज। क्या नाम है? बोले गिरिराज। गिरिराज क्यों है? बोले गिरियों में जो राजा है, गिरियों में जो राजा श्री गोवर्धन, इसलिए जितने पर्वत में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, क्योंकि पहले ये गिरिराज की जो ऊंचाई कुछ 64 मील की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई भी ऐसे 64 मील लंबाई चौड़ाई थी, है विशाल गिरिराज गोवर्धन, जैसे हम कहते एवरेस्ट हिमालय पर्वत कहते हैं ना, शास्त्र में वर्णन आता है ये गिरिराज सबसे पहली सबसे ज्यादा ऊंचाई है, इतना थोड़ी गिरिराज हिमालय थोड़ी 64 मील थोड़ी इतना लंबाई है, ये गिरिराज गोवर्धन है सबसे, लेकिन पुलस्तर ऋषि का हिसाब से ये धीरे 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 तिल तिल खे होते जा रहे, इसलिए गिरिराज जी छोटे हो गए, इसलिए गिरिराज जयति शैल कुलाधिराज, इसलिए कहिए गोवर्धन। गोवर्धन मतलब बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, बोले वर्धन मतलब होता है जो कृष्ण इंद्रियों को जो वर्धन करे बढ़ाए, कृष्ण इंद्रियों को जो सेवा करे है, इसलिए इनका नाम गिरिराज गोवर्धन है। बोले गिरिराज गोवर्धन की, और उन्होंने अपना कनिष्ठ अंगुल में गिरिराज को धारण किया, कृष्ण का हस्त स्पर्श पा करके गिरिराज गिरोम रोम खेल उठा है। इसलिए कहते कृष्ण ये गिरिराज की पूजा क्यों किए, कारण किया, बोले इसको पीछे चार कारण बताए। कितना कारण बताए? बोले इनको पीछे चार कारण बताए। बोले पहला कारण क्या है, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कृष्ण शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति जगत में, शिक्षा देते हैं दूसरे देवादेवी को पूजा बहु देवादेवी पूजा नहीं करनी चाहिए, बहु देवादेवी पूजा, इसलिए कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद करवाया। इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा और सारे देवता का राजा, उनको पूजा भी बंद करा दिया। बोले पूजा करना तो किसको करो? बोले गिरिराज महाराज को पूजा करो। झोली फैलाना तो किसको सामने झोली फैलाओ? केवल गिरिराज को सामने झोली फैलाओ, तो तुम्हारी झोलियों को जो भर देंगे श्री गिरिराज गोवर्धन ही तुम्हारी झोली को भर देंगे। इसलिए एक अनिष्ट पूजा की बात बताए, और जिनको कृपा है हरि की कृपा, जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा कर सब कोई। वृक्ष का जड़ में जैसे पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, पेट में आहार देने से जैसे सारी इंद्रियां जैसे सतेज रहती हैं, उसी तरह श्री जगन्नाथ जी कौन है? श्री गिरिराज है। जब गिरिराज को हम प्रसन्न कर देंगे, फिर और किसको प्रसन्न करने का हमारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने पहला कारण बहु देवा देवी को पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरा कारण क्या है? इंद्र का अभिमान है। क्या अभिमान है? मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, मैं भारी बरसाता हूँ, घास उगता है, कहीं घास खाते दूध देते, दूध से दही मलाई जो कुछ मिठाई इससे होता है, और यही ब्रजवासियों का प्राण है, अगर मैं नहीं दूंगा तो बारिश क्या होगा, ब्रजवासी मर जाएंगे। कृष्ण बोले क्या तू हो गया राजा, ब्रजवासी प्रजा है, तुमको पता है ब्रज का एक लता में एक पत्ते में यहाँ का धूलि में इतने शक्ति है। चिंतामणि प्रखर सतम सुकल्प वृक्ष लख्या वृत्त सुरभि रवि पाल अंतम, यहाँ का भूमि चिंतामणि एक के वृक्ष पता कल्प वृक्ष सबके सब, और तुम्हारी कृपा होने पर ब्रजवासी बचेंगे हैं, तुमको पता नहीं ये ब्रज में कितने शक्ति, एक धूल में इतने शक्ति, कितने करोड़ तुम्हारी जैसे इंद्र चंद्र को प्रकट कर देगी। इसलिए उसके अभिमान को
दूर करना चाह रहे थे, इनके अभिमान को दूर करना चाह रहे थे। कहते ये दूसरा कारण है, हैं? और तीसरा कारण है, कहते ये ब्रजवासी इनका अपना जन है, इसलिए आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कला तया भी। ये ब्रज गोपियां राधारानी सखा कौन है? ये और कोई नहीं, कृष्ण स्वयं अनंत रूप में, अभिन्न रूप में राधारानी, एक कृष्ण के बाम अंग से जगन्नाथ जी के कौन राधारानी प्रकट हुई, डान अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। राधारानी से जितने सत्या हैं, इसलिए उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आमनायवाणी, इसलिए जितने प्रकट हुई है श्री किशोर जी से, राधारानी से, और जितने अवतार सबके सब श्री बलदेव प्रभु से है, जितने उनका सखा और जितने सब सबके सब श्री बलदेव प्रभु से प्रकट हुए हैं, हैं? इसलिए कृष्ण की इच्छा है। कभी कभी राधारानी गोपियों से मिलना कठिन होता है, ऐसे में क्या काम करूं, सबके सब एकत्रित हो जाए, हम एक साथ में रह करके क्या करे, एक साथ में 7 दिन तक उत्सव कर, बोले कैसे संभव होगा? बोले जब ये गिरिराज गोवर्धन को मैं उठाऊंगा, सारे ब्रजवासी इसका नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, तब हमारी एक साथ में 7 दिन बीतेगा। कहते ये कितना कारण, तीसरा कारण, और जो 14 कारण है, कृष्ण का सर्वोत्तम लीला रास लीला, प्रभु अभी रास रचाना चाहते हैं, लेकिन अकेला रास नहीं रचा सकते हैं जब तक श्री राधारानी ब्रज गोपियां नहीं हो। बोले इनको कैसे मैं आकृष्ट करूं, जैसे एक हीरो हीरोइन को आकर्षण करने के लिए कुछ व्यक्तियों को इकट्ठे करके उनको साथ में खूब लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करके हुआ करके उनको वहां से भगा देता है, और सामने हैं, सामने जो लड़की होती है ना, देख करके बोले बाबा ये थोड़ा बहादुरी है, हैं? इसलिए उसका प्रति मन प्राण चित्त उसको चरण में डाल देता है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा, ब्रज गोपियां मेरी जब पराक्रम को देखेंगे, 7 दिन तक 7 साल का बालक 7 क्रोस गिरिराज को जब धारण करूंगा, ये ब्रजवासी मेरे, ये राधारानी गोपियां मेरी प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, मेरी रास लीला हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। एक दिन कृष्ण देखा सवेरे सवेरे मैया जसोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिर्ती रसगुल्ला बड़े सुंदर सुंदर श्री भोग बना रही है। कृष्ण ने बोले मैया मैया आज इतने क्यों बना रही हो, क्या मेरी जन्म तिथि? बोले नहीं, पिताजी को पूछो। पिताजी की गोद में बैठ गए, बोले पिताजी आज मैया इतने सुंदर सुंदर क्यों खाना बना रहे? बोले लाला हम इंद्र पूजा करेंगे। बोले बाबा इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का देवता है। ये हम लोग कौन है? हम लोग तो ग्वाल बाल है, और बारिश होने पर घास घास गैया खाए, दूध दही यही हमारा जान है। बोले पिताजी समुद्र क्या पूजा करता है? क्या समुद्र में बारिश नहीं होती है? ये जंगल क्या पूजा करते सब सब जंगल? क्या जंगल में पूजा, क्या जंगल में बारिश नहीं होती है? ये पहाड़ क्या पूजा करते हैं? क्या वहाँ क्या बारिश नहीं होता है? नंद बाबा तो चुप हो गए, नंद बाबा चुप हो गए। इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण ये जो सिद्धांत को दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर उन्होंने ये नास्तिकवाद का सिद्धांत कृष्ण बताए हैं, हैं? ये सब चीज बताए। बोले क्यों बताए? कारण है कृष्ण को अभी गिरिराज गोवर्धन पूजा की स्थापन करना, इसलिए उन्होंने इसे बताया है, इसलिए बताए। बोले पिताजी जो गिरिराज गोवर्धन, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता गिरिराज, यहीं पर बारिश होता है, फल फूल यहीं से मिलता है, और यहीं से झरना से पानी पीते हैं, गैया यहीं से घास खाते हैं, मेघ अगर टकराता है गिरिराज में बारिश होती है, इसलिए हमारे जो प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज महाराज। बोले गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज बाबा की, और ये जो गैया है हमारी देवता है, गैया हमारी देवता, और जो ब्राह्मण ये हमारी देवता है, क्योंकि इनसे हमारी सब कुछ इनसे प्राप्त हो, इसलिए हम गिरिराज की पूजा करेंगे, गैया की पूजा करेंगे, और ब्राह्मण की पूजा हम करेंगे। इसलिए पिताजी इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, ये सब कुछ बल देने वाले गिरिराज गोवर्धन, जो मांगोगे धन दौलत पुत्र परिवार सब भक्ति सब कुछ गिरिराज गोवर्धन आपको देने वाले। इसलिए सारे ब्रजवासी राजी हो गए, बोले ठीक है लाला हम सब के सब कल से गिरिराज की पूजा करेंगे। बोले जाओ 84 कुरस में ढिंढरा भी डिबा दो, सारे ब्रजवासी
नंदगांव बरसना ऊंचा गांव नीचा गांव जाबट को मिलावन हां सही सारे 355 गांव के लोग बड़े सुंदर सुंदर खाना बना करके लाए और गिरिराज की तलहटी में रखे। कृष्ण स्वयं अपना हाथों से गिरिराज का अभिषेक किया और उनको जो कुछ खाना लाए थे उसको ऊपर में तुलसी पता रख दिए और पता रख के भगवान को आसन में एकदम आसनम श्री गिरिराज आय स्वाय एकदम एतत पाद्यम एतत आचमनीयम इतत पुष्पांजलि बोल करके और एकदम सहृद नैवेद्य उपकरण श्री गिरिराजाय स्वाहा। जब उन्होंने गिरिराज को भोग लगाया गिरिराज तो हाथ को पसार करके गिरिराज स्वयं विशाल रूप धारण किया सबको सब दर्शन कर रहे थे। गिरिराज बोले देखो मैं स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगी, गिरिराज कह रहे हैं, एक अन्न की दाना जो मेरे सेवा में लगाएगा किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, घर में लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये गिरिराज स्वयं कहते हैं। और जो मेरी पूजा की अनादर करेगा जन्म जन्मांतर कंगाल बनेगा। गिरिराज स्वयं दर्शन देकर की आनरे आनरे करके सब कुछ ग्रहण कर रहे थे और मिनट में सब कुछ भोजन कर लिया। भोजन करके बोले तृप्तम अस्मि, मैं तृप्त हो गया हूँ, जो कुछ वर मांगना मेरे से वर मांगो, लेकिन ब्रजवासी सबके सब ब्रजवासी है, बोले हमें ये वरदान दो, हमारे लाला कन्हैया इनके ऊपर में बारंबार विपत्ति आ जाती है, हमारे लाला कन्हैया जैसे सुखी रहे आप हमें ये आशीर्वाद दो। कृष्ण कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं और कृष्ण ने बोले चकाचक उठाओ खाओ चकाचक चलो प्रसाद पा करके हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। पर सारे ब्रजवासी गिरिराज परिक्रमा करते हैं, हमारे श्रीदाम भैया भी बड़े सुंदर गिरिराज की एक भजन गाएंगे, एक भजन गा लो गिरिराज की। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री राधे श्याम। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे देर नाय माने मेरा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरा मनुआ करके तो भजन
दर्शन करके जीवन सफल जब मेरे वीर नहीं माने मेरा मनुआ चंद्र सजीव जगाल कृष्ण कवि
कलश गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन पूजा की, भागवत की जय, गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल की जय। प्रभु जी प्रभु जी आज आर्धा आप वीडियो करेंगे इसको लगा के सेट कर, आप इसी भी करेंगे शिवा जया जया गोरा चंदन आरती को शोभा भोग लगे तो आरती पर ना क्या भोग लगे तो समस्त भोग लगे शोभा जानवी तटवीर
Jalmal, jalmal, jalmal kare, jalmal, 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 jalmal,